नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। क्या आपके सिर में कभी भी दर्द हो जाता है? क्या आपको कभी कभी आसपास की आवाजें बर्दाश्त नहीं होती? क्या आप हल्की सी आवाज से भी इरिटेट हो जाते हैं या तेज रोशनी आपको बहुत बुरी लगती है? तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं समस्याओं के बारे में। जी हाँ, क्योंकि ये माइग्रेन हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें सिर में दर्द होता है, नौजिया होता है, ज्यादा रोशनी से परेशानी होती है और आते हैं चक्कर। क्या आपको पता है कि माइग्रेन कई स्टेजेस में होता है जो कई दिन तक चल सकता है और ज्यादा बढ़ने पर ये किसी के भी काम करने या पढ़ने की क्षमता पर असर डाल सकता है। पर अगर हम देखें तो माइग्रेन की समस्या सिर दर्द से आगे जाती है। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सिर दर्द हो सकता है और नहीं भी। इसके ट्रिगर्स भी होते हैं, सिवेरिटी होती है, सिर में एक तरफ पल्सेटिंग पेन होता है। तो क्या है माइग्रेन के सिम्टम्स और क्या करें अगर आपको माइग्रेन होता है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे माइग्रेन के बारे में। डॉक्टर प्रवीण, स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि माइग्रेन और हेडेक, सिर दर्द, एक ही चीज है, तो पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, हेडेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हेडेक बहुत सारी वजहों से हो सकता है और उसके सिम्टम तरह तरह के हो सकते हैं। जैसे हेडेक 2 मिनट भी हो सकता है, छोटा हल्का तीव्र कुछ सेकंड का पेन हो सकता है, सर में परसिस्टेंट कई दिनों तक भारीपन हो सकता है, सर के आगे, सर के पीछे, गर्दन में स्टिफनेस हो सकती है, दोनों कनपटियों में दर्द रह सकता है, तनाव रह सकता है, तो ये सब एक सरदर्द है। और माइग्रेन में एक खास किस्म का सरदर्द होता है जो 4-5 घंटे से ज्यादा चलता है, कई दिनों तक रह सकता है, जनरली सर के एक भाग में होता है, पल्सेटिंग या थ्रॉबिंग क्वालिटी होती है, मूवमेंट करने से बढ़ता है, साथ में नौजिया या वॉमिटिंग होती है, पेट में गैस की फीलिंग होती है और शोर और रोशनी से दिक्कत हो सकती है। ये दर्द की खास बात यह है कि ये खाली पेट रहने से, सफर करने से, नींद नहीं आने से ट्रिगर होता है, तो इन ट्रिगर्स के कारण, ट्रिगर होने से इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं और महिलाओं में महीने के दौरान ये बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो जो ट्रिगर्स होते हैं इसके बारे में मैं आगे प्रोग्राम में विस्तार से बात करूंगी डॉक्टर प्रवीण, लेकिन जो आपने कहा कि अगर आपको माइग्रेन होता हो तो आपके जो स्टमक है उसमें, तो क्या स्टमक और माइग्रेन का क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि उनके सर में गैस चढ़ रही है और हमारे पास भी मरीज आकर ये बोलते हैं कि मेरे सर में गैस चढ़ रही है, पर जनरली जब सर में दर्द होता है तो सर का पेट में वेगस नर्व के थ्रू कनेक्शन होता है जिसके कारण सर दर्द से पेट में गैस, उल्टी की फीलिंग या वास्तव में उल्टी होती है, तो गैस सर दर्द नहीं करती अपितु सर दर्द गैस और उल्टी को ट्रिगर करता। जी बिल्कुल, तो कैसे आप माइग्रेन के अंदर कैसे आपके स्टमक में भी कनेक्शन है और जो आप कहते हैं कि गैस सर पे चढ़ रही है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रवीण ने हमको बताया है। डॉक्टर प्रवीण, ये जो माइग्रेन के सिम्टम्स आपने बताए हैं ये किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं? क्या मरीज आपके पास आते हैं जिनकी जो रोजमर्रा की लाइफ है, नॉर्मल लाइफ, उस पर भी असर पड़ता है अगर माइग्रेन लगातार होता चला जाए, कभी भी हो जाए? किसी को भी लगातार पेन में रहना बहुत मुश्किल है और लगातार बार बार माइग्रेन होने से आदमी की सोचने की शक्ति, उसकी अटेंशन, उसकी रिलेशनशिप अदर पीपल, बिकॉज आदमी बहुत इरिटेबल हो जाता है, उसकी काम करने की एबिलिटी, उसकी ट्रैवल करने की एबिलिटी में बहुत फर्क पड़ता है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। फिर माइग्रेन अगर नॉइस से, लाइट से, परफ्यूम से सबसे ट्रिगर होने लगे तो आदमी सोशली कहीं जा नहीं पाता है और रिसर्च ये बताती है कि 30% लोग जिन्हें क्रॉनिकली माइग्रेन पेन रहता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये दर्द का क्लाउड उनके रोजमर्रा के जीवन में और उसकी हैप्पीनेस पे बहुत बुरा असर डालता है।
यहाँ पर हम ट्रिगर्स की बात करेंगे जो कि जो हम डिस्कस कर भी रहे थे डॉक्टर प्रवीण, कई तरह के ट्रिगर्स होते हैं, इमोशनल ट्रिगर, डाइट्री ट्रिगर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो ट्रिगर्स तो इतने सारे, यानी कि किसी भी ट्रिगर से आपको कहीं भी आप हो माइग्रेन हो सकता है, और ये तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी असर डालेगा। किसी ने परफ्यूम लगाया हो या कोई किसी, कई लोगों को कॉफ़ी की खुशबू से भी माइग्रेन हो जाता है। जी सही कहा मैडम आपने, पर अच्छी बात क्या है कि ट्रिगर तो 100 हैं, पर हर आदमी में हर चीज ट्रिगर नहीं है। किसी को कॉफी से ट्रिगर होता है तो किसी को कॉफी से बेटर हो सकता है, किसी को फिश खाने से ट्रिगर होता है, किसी को चाइनीज खाने से ट्रिगर होता है, किसी को परफ्यूम से ट्रिगर होता है, किसी किसी को नहीं होता है। तो हर आदमी के पास जो माइग्रेन सफरर है, 4, 5, 6, 7 ट्रिगर होते हैं, सारे ट्रिगर सब में मौजूद नहीं होते। इसलिए उन ट्रिगर्स को पहचान कर अगर हम उन ट्रिगर से बच सकते हैं तो हम अपनी दवाई का इंटेक और हमारी पेन का टाइम कम कर सकते हैं जी। और अधिकतर लोग अगर ध्यान दें तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनसे बच भी पाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि हम स्ट्रेस को लेकर भी बातचीत करते हैं, तो अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो क्या आपको तब भी माइग्रेन हो जाता है? क्या स्ट्रेस भी एक ट्रिगर है? स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, और आज की दुनिया में क्योंकि स्ट्रेस सर्वव्यापी हो गया है तो स्ट्रेस माइग्रेन का बहुत बड़ा ट्रिगर बन गया है। और माइग्रेन अगर हमारा ब्रेन कुछ करना नहीं चाहता, उसे अगर हम फोर्स करें वो करने को, कोई अप्रिय बात हो, अगर हम सोना चाहते हैं और हमें मजबूरी में जागना पड़े, या हम खाना चाहते हैं हमें खाना ना मिले, तो हमारे ब्रेन के अलग अगर कुछ भी हमें फोर्स किया जाता है तो उससे माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तीनों ट्रिगर ही माने जाएंगे, इमोशनल ट्रिगर इनको कहा जाता है। डॉक्टर प्रवीण, क्या आप हमें बता पाएंगे कि डाइट्री ट्रिगर्स क्या होते हैं, किन किन चीजों से हो सकते हैं लोगों में जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं? बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं डाइट में, पर ऑयली खाना एक सबसे बड़ा ट्रिगर है माइग्रेन का। कुछ लोगों को कुछ फ्रूट से माइग्रेन हो सकता है, जैसे बनाना, कॉफी की स्मेल से ट्रिगर हो सकता है, फिश से ट्रिगर होता है, चाइनीज खाने से ट्रिगर होता है माइग्रेन, कभी कभी चाय से भी कुछ लोगों को ट्रिगर होता है, कुछ लोगों को बेटर हो जाता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको केला खाने से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो सबके लिए अलग अलग तरह के ट्रिगर हैं, और हम सब लोगों में सब चीजों को मना नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी अच्छा खाने को बचेगा ही नहीं। बिल्कुल, हम सबसे कहते हैं कि अपने ट्रिगर को पहचानिए और उसके हिसाब से, ट्रिगर के हिसाब से डाइटरी एलोकेशन करिए। बिल्कुल, यहाँ पर चॉकलेट से ट्रिगर हो सकता है, चीज से, बाकी कई एग्जांपल्स डॉक्टर प्रवीण ने अभी बताए हैं। डॉक्टर प्रवीण, मैं अब एक चीज पे आना चाहूंगी, क्योंकि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, हर वक्त शोर होता है, तो शोर से भी बहुत लोगों के माइग्रेन ट्रिगर होता है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लोग कहाँ जाएंगे, शोर तो हर तरफ है। देखिए आपने सही कहा, शोर से कुछ लोगों का माइग्रेन ट्रिगर होता है, पर जिन लोगों को माइग्रेन है उन लोगों का माइग्रेन शोर से, तो अधिकतर लोगों का माइग्रेन एग्रेवेट हो जाता है। माइग्रेन के दौरान आदमी को शोर या नॉइज से सिग्निफिकेंट इरिटेबिलिटी होती है, इसीलिए आपने घर में देखा होगा कुछ जब मदर या किसी को हेडेक होता है तो वो बोलते हैं बच्चे टीवी बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, नॉइस नहीं हो। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप इन सब चीजों से बच नहीं सकते, स्ट्रेस, शोर, खाना, ये तो हर जगह ही है ना। इसलिए अगर आपको माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है तो उसका समय पे और ठीक से इलाज करना जरूरी है कि आप ट्रिगर के होते हुए भी पेन फ्री रह सके। बिल्कुल, अब इलाज पे भी हम आएंगे डॉक्टर प्रवीण, इलाज के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी आपसे कितने तरह के माइग्रेन होते हैं, क्या माइग्रेन के भी टाइप्स होते हैं? देखिए माइग्रेन का बेसिक जो पैथोफिजियोलॉजी है वो सेम ही होता है। माइग्रेन के दो मेन टाइप्स होते हैं, माइग्रेन विद ऑरा या माइग्रेन विदाउट ऑरा। कुछ लोगों को माइग्रेन होने से पहले आंख में धुंधलापन आने लगता है, आंख के आगे झिलमिल झिलमिल तारे जैसे दिखाई देने लगते हैं, जो करीब फ्यू मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये मानो आंख के आगे पर्दा आया और खुद से ही चला गया। या कुछ लोगों को माइग्रेन से पहले बॉडी में एबनॉर्मल सेंसेशन होती है,
कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं, तो इन सबको हम ऑरा बोलते हैं। जी वैसे माइग्रेन कहाँ पर है और क्या कर रहा है इसके हिसाब से भी माइग्रेन का नामकरण होता है। यहाँ पर हम थोड़ा डॉक्टर प्रवीण, हम जो आप बात कर रहे हैं माइग्रेन विद ऑरा, हम चाहेंगे इस पर आप थोड़ा और तफसील से बताएं। ये जो कहा जाता है कि फ्लैशिंग लाइट्स भी होती हैं, तो ये माइग्रेन को शुरू होने से पहले जो लक्षण होते हैं, अगर लोग समझ जाएंगे तो उनके लिए और आसान होगा कि क्या सच में उनको माइग्रेन हो रहा है। तो वो हम आप हमको लक्षण बताइए कि क्या क्या हो सकते हैं अगर माइग्रेन विद ऑरा है तो। माइग्रेन का सबसे कॉमन ऑरा होता है विजुअल ऑरा, जिसमें पर्दे की तरह आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर आंखों के आगे झिलमिल झिलमिल तारे टूटने लगते हैं या ट्विंकलिंग लाइट्स दिखने लगती हैं, और वो आधे से एक घंटे में ठीक हो जाती है। अगर इसके अलावा हमें बॉडी के एक पार्ट में एबनॉर्मल सेंसेशन हो सकती है, जैसे हम पैरेसीजिया बोल सकते हैं, स्मेल आ सकती है किसी को ऑरा के फॉर्म में, किसी को एबनॉर्मल फीलिंग हो सकती है कोई मेमोरी की, किसी किसी लोगों को बॉडी में वीकनेस की फीलिंग आ सकती है, तो कई तरह के ऑरा हो सकते हैं, पर सबसे कॉमन ऑरा है विजुअल ऑरा। और माइग्रेन विद ऑरा नॉर्मल माइग्रेन से काफी कम कॉमन होता है, और जिन लोगों को माइग्रेन विद ऑरा होता है उनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन भी हो सकती है। और सबसे हैरानी की बात, जी डॉक्टर प्रवीण जो आप बता रहे हैं कि चक्कर आते हैं या ये तमाम जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, कितनी देर तक रह सकते हैं माइग्रेन शुरू होने से पहले, एक्चुअल माइग्रेन से पहले ये सिम्टम्स कितने देर तक रह सकते हैं? मैडम ऑरा जल्दी 10 मिनट से आधे घंटे का ऑरा होता है, पर कुछ कुछ लोगों में जिनमें प्रोलॉन्ग ऑरा होता है ये यूजली 1 घंटा या उससे ज्यादा भी रह सकते हैं, और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि उन्हें स्ट्रोक या पैरालिसिस तो नहीं हो गया, और कभी कभी हम उसके लिए टेस्ट भी करते हैं, पर जब ये बार बार होता है और फिर सरदर्द होता है इसके बाद, तो ये कंफर्म हो जाता है कि माइग्रेन का ऑरा। जी तो अब हम मैं जानना चाहूंगी आप माइग्रेन विदाउट ऑरा समझाएं। देखिए कुछ लोगों को माइग्रेन ऑरा नहीं होता, सीधा धीरे धीरे सर में भारीपन चालू होता है, फिर कनपटी के पास नस ड्रॉप करने लगती है, जिसके बाद नौजिया वॉमिटिंग सब होने लगता है, जिसे हम कॉमन माइग्रेन बोलते हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा। इस माइग्रेन में भी कुछ लोगों को चक्कर ज्यादा आते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि इनको वेस्टिबुलर माइग्रेन या वर्टिजिनस माइग्रेन है। कुछ लोगों का दर्द सिर्फ आंख के आसपास होता है तो बोलते हैं इसे ऑफ्थेल्मिक माइग्रेन है। कुछ लोगों को बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो जाता है माइग्रेन के दौरान, तो उसे बोलते हैं हेमिप्लेजिक माइग्रेन है। और जो सबसे कॉमन माइग्रेन होता है आम लोगों को, उनमें सरदर्द, नौजिया वॉमिटिंग, शोर या रोशनी से परेशानी के अलावा बाकी ये सब सिम्टम्स नहीं होते हैं। पर माइग्रेन के दौरान फोकसिंग में दिक्कत, कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत बहुत कॉमन सिम्टम। इसके बाद मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपके ये लक्षण हुए उसके बाद आपको माइग्रेन हुआ, एक माइग्रेन हैंगओवर भी होता है, वो क्या होता है? देखिए जब माइग्रेन क्योंकि न्यूरल हेडेक है, ब्रेन के न्यूरॉन्स के डिसफंक्शन से हो रहा है, तो जब माइग्रेन उतरता है तो वो न्यूरल डिसफंक्शन कभी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, तो बहुत समय तक एक ब्रेन के ऊपर क्लाउड की फीलिंग, फॉग की फीलिंग रहती है, आदमी लो फील करता रहता है, उसी कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी पूरी नहीं आती या उसे सुस्ती होती रहती है, तो ये माइग्रेन के साथ ये सारे फीलिंग एसोसिएट हो सकते हैं लोगों में। और माइग्रेन खत्म होने के बाद कभी कभी कुछ घंटे या 1-2 दिन तक भी परसिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, माइग्रेन के बारे में आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आप उनको पहचाने, समझें, और जरूरत हो तो आप टेस्ट भी कराएं, क्योंकि माइग्रेन से पहले भी सिम्टम्स होते हैं, माइग्रेन विद ऑरा है, माइग्रेन विदाउट ऑरा है, माइग्रेन होता है और उसके बाद माइग्रेन हैंगओवर है। तो ये पूरी आप ये जो पूरा जो पूरी लाइन है, ये जो पूरा क्रम है, वो समझाने के लिए ही यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रवीण, अब क्योंकि हमने सब तरह के माइग्रेन के बारे में आपसे बात कर ली है, अब मैं आपसे इस चीज़ पे चाहूँगी कि आप इस पे बताएं हमको कि कब लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, कब उनको चाहिए कि वो जाएं और टेस्ट करा लें, जब कितनी बार अगर उनको महीने में या हफ्ते में हो रहा है माइग्रेन, तब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपके हिसाब से, या कभी कभी लोग छोड़ भी देते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
मैम अगर किसी को महीने में 3 या 4 से ज्यादा बार, मतलब आमतौर पे हफ्ते में एक बार माइग्रेन हो रहा है एवरेज पे, या उसका माइग्रेन इतना सीवियर है कि वो 2 2 3 दिन तक ठीक नहीं हो रहा, उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही है या उसे बार बार इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है, ऐसी स्थिति में उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर माइग्रेन के साथ फ्रीक्वेंट ऑरा हो रहे हैं तब भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर माइग्रेन विद ऑरा आपको हो रहा है और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है महीने में 3 4 बार, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। किस तरह के टेस्ट होते हैं इसमें, कैसे कैसे पहचानते हैं कि आपको माइग्रेन विद ऑरा है, विदाउट ऑरा है, किस कैसे आप पहचानते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं जो आप मरीजों को रेफर करते हैं? माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जैसा हमने बताया कि सिम्टम एनालिसिस और हिस्ट्री के बेसिस पे माइग्रेन का डायग्नोसिस किया जाता है। माइग्रेन में पेशेंट का एग्जामिनेशन यूजुअली बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। इसमें आंख की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रेन के सूजन, अंदर सूजन हो तो वो कभी कभी एमआरआई या सीटी में भी नहीं दिखती, आंख की जांच से दिख सकती है। हम एमआरआई और सीटी माइग्रेन को पॉजिटिवली डायग्नोस करने के लिए नहीं करते, पर एमआरआई या सीटी हम और बीमारियां जैसे ब्रेन का इंफेक्शन, ट्यूमर, दूसरी सीरियस बीमारियों को आइसोलेट करने के लिए करते हैं। और अगर किसी को टिपिकल माइग्रेन का दर्द है, उसको लक्षण है जैसे हमने डिस्कस किए, और उसे 2 3 साल से दर्द है, तो ऐसे में सीटी या एमआरआई में कुछ निकलने की संभावना ज्यादा नहीं होती। तो बहुत से लोगों को इलाज देकर चेक कर लेते हैं और स्कैन भी नहीं करते हैं। पर अगर किसी को एक साथ अचानक से बहुत तेज दर्द हो, दर्द कई दिनों तक ठीक नहीं हो रहा हो, या माइग्रेन के पेशेंट के दर्द का पैटर्न बदल गया हो, या नए टाइप का हेडेक चालू हो गया हो, तो ऐसे में स्कैन करना बहुत जरूरी है। अगर साथ में बुखार हो, ओल्ड एज हो, कैंसर हो, कोई और बॉडी में बीमारी, इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून डिजीज हो, तो फिर स्कैन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइग्रेन दिखने वाला हेडेक कभी कभी उन बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माइग्रेन एक छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ को ये इफेक्ट कर सकती है, तो उसके सिम्टम्स पहचानना, कॉजेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर प्रवीण, अब मैं आपसे चाहूँगी आप बताएं क्या कुछ होम रेमेडीज होती हैं जो लोग कर सकते हैं, जो घर में कर सकते हैं अगर उनको माइग्रेन हो रहा है तो? देखिए, माइग्रेन को बचने के लिए सबसे आसान तरीका है डिसिप्लिन इन लाइफ। समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं, एक जैसा दिन गुजारें, ताकि आपके ब्रेन की जो सेट पैटर्न है उसके हिसाब से चीजें हों। दूसरा, अगर खाना आपने नहीं खाया और माइग्रेन ट्रिगर हो तो खाना खा लें। नींद या आराम करने से लाइट बंद करके भी माइग्रेन बेटर हो सकता है। बहुत सारे लोगों को सर पे मसाज करने से भी माइग्रेन बेटर हो सकता है। पर रेस्ट माइग्रेन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और अगर आप कुछ घंटे सो लेते हैं तो स्लीप करने के बाद ब्रेन, अधिकतर लोगों का माइग्रेन खत्म हो जाता है। डॉक्टर फिर प्रवीण, कुछ एक लोगों एक चीज ये भी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि टाइम टेबल सही होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, ये एक्चुअली नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं लाइट की, कि किस तरह की लाइट आपको, कई लोगों को रात में बहुत लाइट, वार्म लाइट पसंद होती है, अगर इस तरह की चीजें आप करें तो क्या सच में आपकी जो माइग्रेन की समस्या है या आपके दिमाग को जो रिलैक्स करना है, यह सब चीजें उससे पॉसिबल हैं? बहुत पॉसिबल है ना, क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि जो चीजें हमारे ब्रेन के अनुकूल नहीं होती है वो माइग्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। तो अपनी लाइफ में क्या चीज माइग्रेन को ट्रिगर कर रही है, अगर हम उसके आसपास अपनी लाइफ को सेट कर पाते हैं, और वो और लोगों से अलग भी हो सकती है, तो हम माइग्रेन को कुछ हद तक बिना दवाई के कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, कुछ और टिप्स आप देना चाहेंगे? प्रोग्राम को समाप्त करने का समय आ गया है, कुछ और टिप्स जो आप लोगों को देना चाहेंगे, और ये भी क्योंकि कई लोग टेस्ट कराने से डरते भी हैं, तो थोड़ा आप लोगों को बता पाएं कि क्या करें, डरना नहीं है, अगर जरूरत देखिए पड़े तो टेस्ट कराने हैं। देखिए मैडम, टेस्ट ना कराने से कोई बीमारी खत्म तो हो नहीं जाएगी। हम बीमारी को इग्नोर अगर करेंगे, बीमारी है तो वही रहेगी, नहीं है तो हमें मालूम चल जाएगा टेस्ट कराने से। अगर हम बीमारी को समय से जांच लेंगे तो वो खराब बीमारी भी हो तो उसका इलाज बेहतर कर पाएंगे, और अगर हम इग्नोर करते रहेंगे तो बीमारी जब बहुत बढ़ जाएगी तो उसका अच्छा इलाज नहीं हो पाएगा।
बिल्कुल दूसरी चीज, हम स्ट्रेस को जितना कम करेंगे अपनी लाइफ में, अपने माइंड को जितना इजी रखेंगे उतना माइग्रेन का रिस्क कम हो पाएगा। तो स्ट्रेस और डिसिप्लिन माइग्रेन को काफी हद तक बिना दवाई के भी कम करता है। पर अगर आप पेन है और उससे सफर कर रहे हैं तो डॉक्टर का मशवरा ना लेने लेने से हिचके नहीं, क्योंकि बहुत पुराने पुराने सरदर्द भी दवा खाने से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़े, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी है। तो आज हमने आपको माइग्रेन के बारे में बताया है। डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको माइग्रेन हो रहा है तो समझें कि आपको माइग्रेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है, ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं उनको समझें, उनसे बचें, जरूरत पड़े तो डॉक्टरी सलाह भी लें। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।